मैंने दो बार देखा के लिए वीडियो हाँ देख के फिर मैंने इनको कहा कि अभी जाते आते तो यहाँ से है ही। हमेशा डालते हो सर? हाँ, राजपुताना मीट में हमेशा डालते हैं। मेरे पास पृथ्वी का कॉल आया है, बोले यार इस डिश को खाना बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक अलग ही स्वाद आता है पुराने जमाने का। ये देखो भाई, मटन देखो आप। एक राजपुताना मटन है, साहब ये आपकी चाप और ये मीट खा के तो आनंद आ गया। YouTube में आपका ही है ना वो वीडियो, वही देख के आए। तो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ वापस से पृथ्वी हैं। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया, आप बताओ शैलेश। बढ़िया, बहुत बढ़िया बना रहे हो आप। आज अपन राजपुताना मीट बनाएंगे। इसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग रहती है, कुछ दो तीन चीजें इसमें इंग्रेडिएंट्स अलग डालते हैं। अच्छा। और इसमें जो मसाले, जो अपन सूखे मसाले डालते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, उसको डालने का तरीका बहुत अलग है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि वो बेक पाउडर ही डाल देते हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम अलग से एक पतीले में घोलेंगे और उसके अंदर स्पेशली हम डालने वाले हैं महारानी मेंसर। अरे वाह, ये महारानी मेंसर यूजुअली राजपुताना मीट में मसालों के साथ घोल के डाला जाता है और 5 किलो मीट में करीबन 375 ml डलती है। अच्छा। आज हम करीबन 1 किलो मीट बनाने वाले हैं तो इसका यूज़ करेंगे हम। ये हमेशा डालते हो सर? हाँ, राजपुताना मीट में हमेशा डालती है। और ये राजेंद्र शेखावत जी के 8th सिकन की चीज़ है ये, और बहुत कमाल की है ये और एक केसर कस्तूरी। अच्छा। बहुत अल्टीमेट चीज़ है। हम ये भी डालते हैं, केसर कस्तूरी भी डालते हैं, लेकिन आज क्योंकि क्वांटिटी हम कम बना रहे हैं इसलिए महारानी मेंसर से शुरुआत करें। सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, ये तेजा मिर्च है। इस तेजा मिर्च को पानी में डिप करके रखते हैं ताकि ये कलर तो दे दे अपना और तीखापन रहने दे, मतलब ज़्यादा तीखा नहीं करे, क्योंकि तीखा मैं अपन को इसके थ्रू करा के दिखाऊंगा आपको कि मिर्च कैसी रहेगी। इसके अलावा ये प्याज है, ये प्याज हम करीबन 750 ग्राम डालेंगे। प्याज इसमें ज़्यादा डालते हैं हम। 750? हाँ, मैं बताऊंगा आपको। 750 ग्राम करीबन हम इसमें डालते हैं, क्योंकि ये बहुत तरीदार बनता है और इसको काफ़ी देर तक पकाया जाता है, तो पानी पीती रहती है प्याज, पीती रहती है, पीती रहती है, और अपने आप प्याज चरखापन छोड़ देती है। और इसके लिए खास तौर पे आप सिर्फ नासिक का प्याज यूज़ करें। ओके। और सिक्कर का प्याज इसमें नहीं यूज़ होगा, सिर्फ नासिक का प्याज यूज़ होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चरखा रहता है। उसके अलावा ये खड़े मसाले हैं, जावेत्री, इलायची, जायफल, बड़ी इलायची, स्टारफुल, दालचीनी, तेजपत्ता, शाही जीरा, लौंग और काली मिर्च। और ये अपना मटन है। ये मटन के पहले हम चर्बी भी लाते हैं, ये चर्बी वाला मीट रहता है, थोड़ा सा फैट भी यूज़ किया है। हाँ, पहले तेल के साथ फैट का ही यूज़ करेंगे। ओके। और उसके बाद ही सारा मीट डाला जाएगा। ये चाँप है, छोटा बकरा रहता है इसमें यूजुअली। ये नली है, गर्दन का पीस है, ये कुछ गोल बोटियाँ हैं और नली हैं, तो सारे मिक्स्ड पीस इसमें रहते हैं। ठीक है। कटा हुआ गरम मसाला है, ये लाल रेड चिली पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये नमक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं लोग इसको। हमारे कुछ एज्ड जो लोग हैं, जो 45+ हैं, वो लोग इस डिश को खाना बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको एक अलग ही स्वाद आता है पुराने ज़माने का। तो दोस्तों सिगड़ी लग चुकी है, देख सकते हो आप, फटाफट से लगाओ हांडी। मैं सरसों का तेल डलेगा करीबन करीबन 250 ml के आसपास। ये इसमें नमक ले लिया है और नमक के साथ पानी डाल दिया है, और इससे क्या सरसों के तेल को फाड़ देंगे और सरसों के तेल में एक अलग ही कलर आ जाएगा, देसी घी बन जाएगा। हाँ, अब इसमें डालेंगे ये प्याज सारा। डालिए। ये चर्बी डालेंगे। अच्छा, इस टाइम पे डालते हो? हाँ, इस टाइम थोड़ी सी चर्बी डाल देंगे। ये थोड़ा क्या अपना घी छोड़ देगी तेल के साथ। फैट। हाँ, माल बनेगा माल। गरम मसाले डालेंगे, सबसे पहले तेज पत्ता डाल दिया, फिर ये शाही जीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी दालचीनी, स्टार इस फूल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, तो इस वाले मटन में थोड़ा प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ये सबसे तीखा मटन है हमारे यहाँ का। अच्छा, फिर भी सबसे तीखा मटन रहेगा। प्याज से मिठास आ जाती है, लेकिन आपको न्यूट्रलाइज और कंट्रोल करना आना चाहिए प्याज को। अगर आप प्याज को कंट्रोल, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे लोग ग्रेवी भी एक्स्ट्रा मांगते हैं, अब कई बार चार्जेबल होती है, कई बार कोई व्यवहार में आता है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या रहती है खाने का और बनाने का कम पड़ जाएगा।
सही बात है। मीट कम पड़ जाएगा लोग एक्स्ट्रा, तो पहले से हमको क्या इसकी एक्स्ट्रा ग्रेवी बना के रखनी पड़ती है। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो मैं खुद ही करता हूँ और अपने तरीके से ही करता हूँ। तो ये मिर्च अभी डालेंगे? हाँ, ये सूखी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें ताकि कलर आ जाए। जो काम रतन जोत करती है उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं करेगी रतन जोत जितना, अच्छा, लेकिन ये हल्का सा कलर अपना देने लग जाएगी। ब्राउन हो गया, इतना ही ब्राउन करते हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करते। मारवाड़ी में देखा होगा आपने, ज़्यादा ब्राउन करा था अपन ने प्याज को, इसमें थोड़ा कम ब्राउन करने के बाद ही डाल देते हैं। ये मटन डाल रहे हैं। ओए गाइस, मटन देख के दिल खुश हो जाता है अभी यहाँ सुबह सुबह। हाँ, सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे मटन का क्रेज। अब सर्दियाँ ही आ गई भाई। और ये आ गया मटन। ये महारानी मेंसर जो है पहले के लोग जो यूज़ करते थे वो हथकड़ आती थी, क्योंकि ये जोधपुर की ब्रांड है, जोधपुर में लोग हथकड़ निकाला करते थे। फिर इसको रिफाइंड करने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनीज को दे दिया, क्योंकि वो देसी वाला कंसेप्ट बंद हो गया। वो जो आती थी महारानी मेंसर हथकड़, वो तो 5 किलोमीटर में सिर्फ 1 चम्मच डालो आप। अच्छा। और वो अपना जो स्वाद है, अपना जो जायका है ना, वो ऐसे छोड़ती थी उस मटन में कि आदमी उंगलियाँ तो क्या, उंगलियाँ चाटना तो क्या, खा ही जाता था उंगलियाँ। पृथ्वी, आपकी मारवाड़ी मटन की वीडियो तो बहुत लोगों ने प्यार दिया। हाँ, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों को पसंद आया, काफ़ी दूर दूर से लोग आए और बोले यार आप ही बनाते हो सच में? मैंने कहा हाँ सच में मैं बनाता हूँ। तो एक लोग तो 11:30 बजे आए, काफ़ी अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी थी उनके पास, रेंज रोवर का वेलोर मॉडल था, और देख के बोले कि मेरे को देखना है सही में आप ही बनाओगे क्या। गरम गरम करा मैंने उनके लिए मारवाड़ी मीट और दिया। अच्छा। बोले भाई साहब ये आपकी चाप और ये मीट खा के तो आनंद आ गया, आप अपना नंबर सेव कराओ। और उनका एक वेज दोस्त भी नंबर लेके गया मेरा, उनके साथ एक वेज भी आया था, बोले मैं खाता तो नहीं हूँ लेकिन मैं देखने जरूर आऊँगा, देखने मज़ा आ रहा है मुझे। तो दोस्तों अगर आपको भी देखने में मज़ा आ रहा है तो हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे, आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। बिल्कुल, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बढ़िया कंसेप्ट लाता है, बढ़िया रेसिपी लाता है। मैंने तो क्या सोचा नहीं था यूट्यूब पे कभी आऊँगा, लेकिन ये तो थैंक्स टू शैलेश एंड योर ऑल द ऑडियंस कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इसके चैनल के थ्रू हम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि आगे भी हम ऐसी रेसिपी बनाते रहें और आप लोगों की सेवा करते रहें। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने वाले हैं अपन। डालिए पहले इसमें थोड़ा सा मसाला बनाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जिस तरीके से डालते हैं ये 1 चम्मच, 2 चम्मच, अरे 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, ओके, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है, 2 चम्मच, 2 चम्मच ये खड़ा गरम मसाला है 1 चम्मच। ओ भाई साहब, इसमें डालेंगे ये अपन महारानी मेंसर, डालिए फिर इसका मिक्सचर बनाएंगे। इसके अंदर डालेंगे? हाँ, इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर डालने का क्या मतलब, मैं समझ नहीं आया। तो अब इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर डालने के बाद आपने बोला था ना कि प्याज चटपटा नहीं होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे चटपटा होगा। अब इसको इसी से घोल लेंगे पूरा। तो इस तरह से डालने से इसका स्वाद है बिल्कुल रॉ रहेगा। हाँ। मेन बात यह है कि उसमें डालने के बाद, क्योंकि आग से वो उड़ जाता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसमें डाल देते हैं, लेकिन अगर आप इसमें इसे मिला के रहेंगे तो वो मसालों में उसका स्वाद घुला रहेगा, और मसालों में घुला रहेगा तो आपको हर एक बाइट में आएगा। ये इसमें डाल दिया, बहुत खूब, अभी देखिएगा आप एकदम रंगत पकड़ लेगा मीट। बिल्कुल एकदम से ही कलर चेंज हो जाएगा इस मीट का। गाँव जाते थे जब सर्दी में तो महारानी मेंसर ही पीते थे, क्योंकि ठंड पड़ने लग जाती थी तो रम उतनी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी, तो यूजुअली महारानी मेंसर ही पीते थे। और महारानी मेंसर पीते पीते जो उसमें से थोड़ा सा डाल देते ताकि मीट में थोड़ी सी गर्माहट और बनी जाए। देखिए थोड़ा रोगन ऊपर आ चुका है, अब इसमें हल्का सा डालेंगे अदरक का पेस्ट, ये प्योर अदरक है। अच्छा, थोड़ा कम ही डालेंगे अपन, लहसुन तो अच्छा डलता है। हाँ, लहसुन तो हर मटन की जान है भाई। अब खुशबू ही अब आएगी असली, अब तक तो रॉ मटन की आ रही थी, अब आएगी गार्लिक की। हाँ, देख सकते हो शैलेश मटन की ग्रेवी अच्छी तरह पक चुकी है। ये देखो रोगन ये रहा, और ये मैं आपको गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी दिखाता हूँ। बिल्कुल, प्याज एकदम गल चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अपन छोड़ दें। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, लगता नहीं है कि आपने मीट खाया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत लाइट सा मक्खन खाया, मक्खन खाया, बहुत लाइट सा कुछ खा लिया ऐसा लगता है। मीट का मतलब वो एसिडिटी वाली वो सारी प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत अच्छा लगा। हाँ, यूट्यूब में आपका ही है ना वो वीडियो, वही देख के आए। आपने को वहाँ से देख रहे थे, मैं उधर देख रहे थे। हाँ, मैं यही कह रही आज भी उसी जगह पे शूट कर रही है।
तभी मेरे को मैंने दो बार देखा कि लिए वीडियो हाँ देख के फिर मैंने इनको कहा कि अभी जाते आते तो यहाँ से है ही लेकिन कभी नजर में नहीं पड़ा, असल में पता नहीं चलता जब तक आप लोग लोकेशन वगैरह नहीं बताओगे ना, तभी मैंने फोन किया। फिर मैंने कहा बताओ, फिर हम वापस उधर से लक्ष्मी मंदिर की तरफ से आए। आंटी नीचे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे एक गूगल लोकेशन उसी को देख ली, आप उसको क्लिक किया नहीं करो। आपका जब कल मैंने यूट्यूब देखा ना, मेरे को लगा नेहरू बालोद्यान का उस टाइप। अभी इस बार मेंशन कर देंगे हमें कहाँ पे मेन टॉन्ग रोड पे इस साइड का, ये नेहरू प्लेस का मेंशन करोगे ना तो इजी रहेगा। ठीक ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा मिल के। ठीक है, और बढ़िया ऐसे बनाते रहो अच्छे। क्या शुभ नाम है आंटी आपका? मिसेस रूपाली भट्टाचार्य। कहाँ से है मैम आप? बंगाल से है। बंगाल से है, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको भी, बहुत अच्छी रहो। थैंक यू, धन्यवाद आंटी। गाइस ये बनके एकदम रेडी है और इसको अपन हटा रहे हैं, इधर रखते हैं। चलो अब इसमें धनिया डाल देंगे। ये देखो भाई मटन देखो आप, ये देखो यार ऐसा मटन, ये है असली राजपूताना मटन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इनके मारवाड़ी मटन की रेसिपी किस तरह से बनाते हैं, वो रेसिपी तो इतनी कमाल कर गई कि लिटरली अभी एक आंटी जी भी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्यार दिखाया था। मेरे पास पृथ्वी का कॉल आया है, बोले यार एक राजपूताना मटन है आपको टेस्ट कराता हूँ, आज आप आओ वो टेस्ट कराता हूँ मैं। अच्छा हमने आपको दिखाया किस तरह से बनाते हैं और देखो मारवाड़ी मेन यूज़ करते हैं इसमें ना, तो वो वाली चीज़ है। ये मटन बन के एकदम रेडी हुआ है, क्या शानदार रंगत लग रही है इसकी देख रहे हो आप, एकदम थिक ग्रेवी के साथ हल्का हल्का सा रोगन, एकदम गर्मा गर्म रोटियां और हल्की हल्की सी ग्रेवी जो टेक्सचर वाली ग्रेवी है ना, वो वाली चीज़ें दे देखो लग रही है शानदार भाई। थोड़ा सा मैंने साइड में ऑनियन रख लिया है, गर्मा गर्म रोटी टेस्ट किया जा, ये देखो नल्ली का पीस, ये देखो क्या गला है ना मटन देख रहे हो, थोड़ी सी ग्रेवी लेते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है उस मटन का, हल्का हल्का सा गार्लिक का फ्लेवर, हल्का हल्का सा जो महारानी मिर्च डाली थी वो, और हल्का हल्का सा मसाले जो स्पाइसी मसाले जो भैया ने डाले, और ना केवल स्पाइसी मसाले साथ में जो ये खड़ी मिर्चियाँ देख रहे हो ये वाली, ये देखो खड़ी खड़ी मिर्चियाँ ये जो डाली थी ना, सब कुछ मिक्स होके एक प्रॉपर जो फ्लेवर आपको दे दिए भाई, जवाब नहीं है उस मटन का, क्या शानदार फ्लेवर है भाई। ओ भाई मज़ा आ गया, सब हद से ज़्यादा चर्बी तो नहीं डालते अपन, बट जैसे पटना में डालते हैं हद से ज़्यादा चर्बी डलती है वहाँ पे, तो क्योंकि वहाँ पे लोग बाग खाते हैं चर्बी को, ठीक है अपने राजस्थान में थोड़ा कम पसंद करते हैं, बट ये हल्का फुल्का डालते हैं जिससे क्या है जो चर्बी का जो फैट होता है ना वो हल्का सा ऑयल में रिलीज हो जाए, है ना। अल्कोहल था वो तो सारा उड़ गया, बट जो उसके अंदर फ्लेवर रह गया वो हल्का हल्का सा देखने को मिल रहा है, प्लस जो स्पाइसी है इतना ऑनियन डालने के बाद इतना स्पाइसी अगर आपको देखने को मिल दिया ना चीज़, शानदार। ये राजपूताना जो मटन बनाया इसके अंदर इन्होंने बिल्कुल भी दही का यूज़ नहीं किया है ना, और दही का यूज़ ना करने के बाद भी आप ये देख रहे हो ग्रेवी के टेक्सचर देख रहे हो आप, ये देखो ग्रेवी का टेक्सचर देख रहे हो आप, ये देखो स्पाइसी टेक्सचर है और ग्रेवी एकदम घुली हुई, ये देखो मटन, तो इसी तरह का मटन खाने का मज़ा आता है, और हल्का सा जो हल्का सा खींचने में आए और जिसको आप प्रॉपर बाइट ले सको, मज़ा आ गया भाई। तो गाइज़ मैं इस मटन को करता हूँ इन्जॉय, आप यहाँ पे आने का प्लान बनाओ, तो मिलता हूँ मैं किसी और जगह, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच गाइज़।